कई बार कई लोग कहते हैं कि समय का कैसे सदुपयोग किया जाए, यानी टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। जी हाँ दोस्तों, बड़े गंभीर विचार के साथ, मेरे पास तो कुछ था नहीं, मैंने अपने ज़िंदगी में झांक कर देखा और झांकने के बाद में सिर्फ एक ही जवाब आता है अंदर से और मेरे इन रेट्रोस्पेक्शन में, यानी बीता हुआ जो मैंने अपना कल बिताया है, जो अच्छे लोगों के साथ बिताया है, जो उनके मूल मंत्र थे जीवन के प्रति, वो मैं बांट सकता था, क्योंकि एक एक्सपीरियंस ही है, आपका अनुभव है जो आपको सिखाता है। तो अनुभव के तहत मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि समय का सदुपयोग किया जाए या टाइम का मैनेजमेंट अच्छे से किया जाए, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, वो अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है। जो मेरे गुरु और मेरे जितने भी अपर मैनेजमेंट जिनके साथ मैंने काम किया था, जो मेरे बॉसेस थे, जो मेरे ट्रेनर्स थे, जो मेरे गुरु हैं, उन लोग से जो सीखा मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि टाइम मैनेजमेंट किया जा सकता है। और इसके लिए अगेन मेरी ट्रायंगल थ्योरी क्या कहती है, वो तीन चीज़ों का सहारा ले ताकि आपका समय आपके हिसाब से अच्छा गुजरे। और वो क्या है वो जल्द आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो हमेशा मेरे बॉसेस कहते थे जो टू डू लिस्ट बनाना है, तो आपकी जो दिनचर्या की जो लिस्ट होती थी उसमें सबसे दो कैटेगरी होती थी, तीसरा कैटेगरी में कोई रूम नहीं होता था। पहली कैटेगरी होती थी कि अर्जेंट क्या है, अभी क्या करना है। सुबह आप बिस्तर से उतरते हैं तो आपके लिए सबसे पहले क्या होता है, जिसे बेटी चाहिए होती है उसे बेटी चाहिए होती है, उसके अलावा उसका दिन शुरू नहीं होता है। जिसे इमिडिएटली फ्रेश होना होता है वो जाके फ्रेश होता है, जिसके लिए बैड ब्रेथ पहला अटेंशन होता है वो जाके ब्रश करता है, और किसी किसी के लिए तो खाली एक गर्म पानी का ग्लास नींबू निचोड़े उनसे शुरुआत होती है। तो जिस तरह से आप शुरुआत करें, लेकिन जो अर्जेंट है वो पहले करें। इंपॉर्टेंट क्या है टू डू लिस्ट में, जो आप दिनचर्या में करते हैं वो तो करते रहिए, उसका समय माइलस्टोन का होगा। जैसे आप सुबह उठते हैं, आपका ब्रेकफास्ट का टाइम 10 बजे, आपका खाना खाने का टाइम 2 बजे, और आपका डिनर का टाइम लगभग 7 से 8 बजे। ये फिक्स टाइम्स है, आपके ऑफिस आवर्स फिक्स टाइम्स है। इसके अलावा आप करेंगे क्या, जो अर्जेंट है वो उसे सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखिएगा, फिर वो अर्जेंसी में शायद अभी जो करना है वही आता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरा जो लिस्ट में आता है वो है इंपॉर्टेंट वर्क, यानी अर्जेंट वो जो अभी करना है, इंपॉर्टेंट जो सारे दिन में आपको कभी तो भी करना है और उसे खत्म करना है। जैसे आपका खुद का काम, आप जो स्वयं जाते हैं जॉब करने के लिए, उनका हर दिन कुछ ना कुछ होता है नया करने के लिए, या कुछ पुराना होता है, डेडलाइंस होते हैं, टाइमलाइंस होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव ड्रिवन जब रहते हैं, एक लक्ष्य को सामने रखकर आप जब काम करना शुरू करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं एक समय समाप्ति की स्थिति होती है, एक उचित समय होता है उसे खत्म करने का। तो उसे ध्यान में रखिएगा कि अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में फर्क क्या है, कि अर्जेंट आपको तभी करना है और इंपॉर्टेंट आपको वो करना है जिसके लिए आपने समय लिया है, उसको अंजाम देना है और उसको पूरी तरह निभाना है, है ना। वो हो गया आपका इंपॉर्टेंट वर्क। और तीसरा जो अक्सर इस अर्जेंट और इंपॉर्टेंट के बीच में आता है, जो मेरे ख्याल से मेरे गुरु हमेशा कहते थे, ना बोलना सीखिए। जी हाँ, स्टार्ट सेइंग नो। और ये ना क्या होता है, बहुत सिंपल है, जब आप अर्जेंट काम कर रहे हैं और कोई बीच में आ जाए तो सीधा ना बोलिए। आप इंपॉर्टेंट कर रहे हैं कुछ काम तो कोई आता है, ना बोलिए। मेरे हिसाब से अगर आप सबको हाँ बोलेंगे तो आप उनके काम का हिस्सा बनेंगे, आप उनकी सफलता का हिस्सा बनेंगे, उनके कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव वर्क का हिस्सा बनेंगे, आपके खुद का नहीं। लाइफ आपकी है, ऑब्जेक्टिव आपका है, काम आपका है, आइडेंटिटी आपकी है, प्रोग्रेस आपका है, तो फिर आपका एजेंडा क्यों नहीं साहब। बहुत सिंपल है, अर्जेंट कीजिए तभी कीजिए, इंपॉर्टेंट कीजिए सारे दिन में, वो करके खत्म कर लीजिए, अगले दिन तक मत लेके जाइए। और यदि आपने ना बोलना शुरू किया नहीं है अभी तक तो सीख लीजिए, क्योंकि ना बोलने से आपकी बहुत सारी हामियां अच्छे में तब्दील हो जाती है। धन्यवाद।